तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बहुत ही जल्द मूवी आ रही है, तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। मैम भी उनके अंदर एक्ट कर रही है, तो पहले आपसे शुरुआत करती है, थोड़ा बताइए मूवी के बारे में। मैडम सिर्फ एक्ट नहीं कर रही, मैडम ने फिल्म प्रोड्यूस भी की है, मैडम ने इस फिल्म के गाने भी लिखे हैं, गाने एक गाना लिखा है, उसके अलावा डायलॉग लिखे हैं और स्क्रीन प्ले हम दोनों ने लिखा है। तो सिर्फ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सब कुछ मिला कोलेबोरेशन जुला, हमारा यस मिला जुला है। और हमने 2013 से इसका काम शुरू किया था और उसके बाद में पूरा करते करते, प्री प्रोडक्शन करते करते, हम जनवरी 2015 में हम लोग फ्लोर पे गए थे और अगस्त 2015 के आसपास हमको सर्टिफिकेट मिल गया था सेंसर का। उसके बाद हमने 2015 अगस्त को सर्टिफिकेट मिल गया मिल था गया हमें, था, हाँ, यस मतलब हमारे आसपास हाथ में में, था, यस 2015 अगस्त को हमारे हाथ में था। यस और उसके बाद में हम लोगों ने स्क्रीनिंग शुरू करी। सबसे पहली स्क्रीनिंग, चूँकि मैं आई बिलोंग टू जयपुर, तो सबसे पहली स्क्रीनिंग हमने वहीं पे की थी 4 नवंबर 2015 को, जिसके अंदर हुज़ हु ऑफ जयपुर, यू कैन से राजस्थान, इवन ऑफ दिल्ली वहाँ पे थे, जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑनरेबल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी भी थे और भी कई बड़े लोग उस स्क्रीनिंग में आए थे। वो हुआ, उसके बाद दिल्ली फेस्टिवल में हम लोग गए दिसंबर में, वहाँ पे फिल्म चली, वहाँ पे हमको अच्छा रिस्पांस मिला। जनवरी में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इस फिल्म को उसमें 2 अवार्ड मिले, और एक बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का और एक बेस्ट थीम अवार्ड, क्योंकि ये थीम 2015 में दिस वाज द फर्स्ट फिल्म इस यस सब्जेक्ट पे बनने वाली। तो पूरे फेस्टिवल में ये था यार, इस सब्जेक्ट, इतने ड्राई सब्जेक्ट को इस तरह से इन्होंने एंटरटेनिंग तरीके से, ये अप्रोच के साथ में किया है कि एंटरटेनमेंट भी है, इट इज़ नॉट ओनली फेस्टिवल आर्ट और उस तरह के श्रेणी में नहीं आती, इट इज़ फुल फ्लेजेड कमर्शियल फिल्म, ऑल दो हैज़ अ न्यू स्टार कास्ट, बट इसमें वो पोटेंशियल है। वहाँ से चीज़ें, लोगों ने हमें बोलना शुरू किया, हम लोगों ने उसमें काम शुरू किया बहुत सारे। फिर उसके बाद हमको मेलबर्न में AMIT यूनिवर्सिटी है, उनका फेस्टिवल होता है, वहाँ से हमको बुलाया गया। हमें IIC इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमको स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया, उनके मेंबर्स के लिए, तो हम वहाँ पे गए। टोरंटो में अभी 2017 में हमारी फिल्म अभी चली है, साउथ एशिया इंडी फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंदर। सो उस तरह से रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला। सितंबर 2016 में हमने 1 हफ्ते का पटना में टेस्ट रन किया था, तो हमको वहाँ पे ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला। वहाँ पर पूरा जिस तरह से हमको सपोर्ट मिला, ऊपर से दैट वाज अ पेड थिंग, क्योंकि इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इतने ड्राई सब्जेक्ट पे, ठीक है फेस्टिवल में रिस्पॉन्स अच्छा है बट कमर्शियली कैसा होगा। तो हमने कहा एक सैम्पलिंग करके दिखाते हैं सर आपको, तो हमने सैम्पलिंग करके दिखाई वहाँ पे कुछ लोगों को, तो बहुत अच्छा लगा। Day 1 60% ऑक्यूपेंसी एंड Day 7 95% ऑक्यूपेंसी फॉर दिस फिल्म, जो कि 700 की कैपेसिटी का थिएटर है, वो भी पटना के अंदर, जहाँ की सोच लोगों की ऐसी है कि भाई वहाँ पटना में ना मार धाड़ और ऐसी चलती, बट ऐसा नहीं है। ये फिल्म विदाउट मार धाड़ और एकदम स्वीट लव स्टोरी है। टॉयलेट, ये आपका जो शौचालय और स्वच्छता जो है, ये एक उसका भाग है और एक वो चीज़ है, उसके साथ में लव स्टोरी भी है। तो वो चीज़ हुई राजस्थान के अंदर, हम लोगों ने ऐसे ही टेस्ट रन किया कि भाई एक पटना एक तरीके का टेरिटरी है, राजस्थान डिफरेंट है, यहाँ भी करके देखते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 3 शहर में, कोटा, जयपुर, उदयपुर के अंदर, वही अगेन वही अप्रोच के साथ में, यूनिसेफ हमारे साथ था उसके अंदर, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था, तो उन्हीं लोगों के लिए हमने कुछ शोज़ किए थे जहाँ जहाँ उन लोगों ने बोला। तो वहाँ पर जब शोज़ किए, तो एक शो था कुछ 700-800, एक पिलेसिया विलेज करके वहाँ पे जगह, ब्लॉक है उदयपुर में, तो वहाँ का पूरा, उस ब्लॉक के जितने गांव होते हैं उनके सारे लोग आकर उन्होंने फिल्म देखी, कुछ 600-700 के करीबन वो थे, औरतें थीं वो देखी। उसके 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे 80 टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हुए। उस गांव की औरतों ने इमोशनल ग्राउंड में अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करके घर में टॉयलेट बनवाया। एक बड़ी न्यूज़ एक आई थी, बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी, पूरे राजस्थान में ये चीज़ हुई थी, तो वो एक अच्छा अचीवमेंट था। ये देखते हुए वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इमिजिएटली मैडम को वहाँ का स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का डिक्लेयर किया। सो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी और इतना कुछ डेटा इकट्ठा हुआ था, तो अल्टीमेटली हम एक फाइनेंसर को कन्विंस कर पाए और ही केम ऑन बोर्ड, और हम लोग 28 जुलाई को रिलीज़ कर रहे थे। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर है, उनके साथ में बात हुई थी, सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से 11 और 12 जून के आसपास जब इनका ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद धीरे 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 करते करते हमने कहा ठीक है, हम 28 कर रहे हैं, 1 जुलाई से हमारा प्रमोशन शुरू होने वाला है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए ताकि इन्वेस्टर को भी आसानी रहे, वो सब रहे। तो हम, उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए। तो हम जिस दिन वहाँ पे पहुँचे, इन्वेस्टर ऑल्सो विद अस,
वो बोलते कि यार सब ठीक है, वो हो जाएगा, आप लोग पब्लिसिटी शुरू कीजिए, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर उनकी तरफ से फ़ोन आ गया, मतलब मेकर्स की तरफ से फ़ोन आ गया कि बहुत ऐसा है, तो फ्रेटर्निटी का मामला है, दे आर इन, साल की 4 फिल्में आती हैं, ये होता है, आप तो पता नहीं नए हो, तो इसीलिए एक बार उनका अगर फ़ोन आ गया तो हम 28 को ही फोन फिल्म उतार देंगे। अब ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। अब किसी इन्वेस्टर को आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ लगाने को कह रहे हो और अचानक से आप उसको बोलो कि उतर भी सकती है, तो वो कौन लगाएगा? तो हमारी जो 3 साल की मेहनत थी, विद इन कुछ मिनट, चंद मिनटों के अंदर वो वापस जीरो हो गई, वी अगेन केम ऑन द सेम पोजीशन। तो कुछ ऑप्शन नहीं था। देन फिर उसके बाद में एक ऑप्शन तो ये था कि कोई बात नहीं, जो अन्याय हुआ है सह लो। उन्होंने कहा आप उनके आने दीजिए, उसके बाद लगाइएगा। अरे भाई क्यों? कि नहीं, उनकी और आपकी फिल्म एक सी है, तो इसमें मेरी गलती है, हम 2015 से बना के बैठे हैं, 50 लोगों ने फिल्म देखी है, किसने कहाँ कैसे क्या क्या देखी है। खैर वो सारे फैक्ट्स हैं जो हमने कोर्ट के सामने रखे हैं, तो वो हमको समझ में नहीं आया। तो दिस वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस, तो हम लोग कोर्ट के सामने गए, क्योंकि हमको इस देश के कानून पर भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। जैसे कि सर आपने कहा आपकी मूवी का जो सब्जेक्ट है और टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसकी सेम स्टोरी है, तो वहाँ के मेकर्स, वहाँ के टॉयलेट एक प्रेम कथा की टीम से कोई आपको कोई मिलने आया है या कुछ बातचीत करने आए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी फ्रंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो हमारे साथ हुआ अभी वो अचानक से नहीं हुआ, वो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। एंड मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट जैसे लिखते हैं, उस तरीके से स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमें हमारे इमोशंस के साथ एक गेम हुआ है, तो इस वजह से हमें लगा हमारे पास कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं गया कोर्ट में जाने के अलावा, बिकॉज हमें ये कहा गया कि आपकी जो फिल्म है वो टॉयलेट जैसी है। तो हमने कहा कि स्टॉप सेइंग दिस बिकॉज यू हैव टू करेक्ट योर वर्ड्स, कि हमारी फिल्म टॉयलेट जैसी ही है, टॉयलेट हमारी जैसी फिल्म है, तो अब तो ये प्रूव करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम लोग कोर्ट के पास गए, बिकॉज हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, हम अपने रास्ते चल रहे थे। इवन टॉयलेट का प्रोमो आने के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम अपने रास्ते चल रहे थे, हम अपनी फिल्म रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन हमें रोक दिया गया फिल्म रिलीज़ करने से। एंड हमारे फाइनेंसर को डरा दिया गया कि आपकी फिल्म जो है फर्स्ट डे ही हम उतार भी सकते हैं। तो कोई भी डरेगा, कोई भी बंदा जो पैसा लगा रहा है उसको आप ये कह दो कि आपकी फिल्म एक कॉल पे हम उतार देंगे, तो डेफिनेटली वो पीछे चला जाएगा। तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं लगा कि अन्याय को चुपचाप सहने से अच्छा है कि आप कर्म करते रहे, एंड कोई रास्ता बचा नहीं था। इस वजह से हम कोर्ट के पास गए एंड फिर हमने कहा कि हमने कॉपीराइट का केस दर्ज किया एंड हमने कहा कि हमें जस्टिस चाहिए कि कौन सी फिल्म किसके जैसी है, बिकॉज हम तो पिछले 2 साल से पब्लिक डोमेन में हैं और ये जो आइडिया है व्हाट एन आइडिया सर जी का, जो बहुत ही बड़ा एक लोगो लेके आप चल रहे हैं, ये लोगो हमें 2015 अगस्त में सेंसर बोर्ड ने दिया था। एंड जब हम इस फिल्म को लेके सेंसर बोर्ड के पास गए थे तो उस वक्त हम एक अकेले मेकर थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे, इस ड्राई सब्जेक्ट पे पूरी फीचर फिल्म इतनी एंटरटेनिंग बनाई थी। तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखने के बाद हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको अंदर बुला के हमारी फिल्म की इतनी तारीफ की थी कि आपने इस सब्जेक्ट पर इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, आप इसको लेके यहाँ जाइए, आप इसको नेशनल अवार्ड के लिए भेजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को दिखाइए, दिस एंड दैट। तो खैर ठीक है, बट हमें चलने से आपने रोक दिया, हमें बढ़ने से आपने रोक दिया, तो ये तो गलत है, अन्याय है। मैम जैसे कि आपने कहा आपकी और मूवी बहुत ही सिमिलर ही है जैसे देखा जाए जो सब्जेक्ट, तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो उसके वजह से आप अपने ऊपर प्रेशर फील करती है क्योंकि नहीं, हम बिल्कुल पे भी उनका प्रेशर हाँ, आता है। हाँ, हम बिल्कुल प्रेशर फील नहीं करते हैं, बिकॉज अगर प्रेशर फील कर रहे होते तो हम इस तरह से इतने फ्रंट में हम नहीं आते। हमें इनफैक्ट जब हम कोर्ट में जा रहे थे तो हमें बहुत सारे हमारे दोस्तों ने समझाया कि फिल्म तो एक जैसी है लेकिन कोर्ट में जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर बिग पीपल। हमने कहा कि कोर्ट के लिए शायद बिग और स्मॉल होता नहीं है, कोर्ट जो है वो प्रूफ देखती है, कोर्ट जो है वो तथ्यों को देखती है, एंड तथ्य हमारे सामने है, तथ्य पब्लिक के सामने, हजारों लोगों ने इस फिल्म को देख रखी है, ना जाने कितनी हमने स्क्रीनिंग की है इस फिल्म की, सिर्फ इसलिए कि हमारी फिल्म को एक बड़ा सपोर्ट मिले, एक बैकिंग मिले, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। बिकॉज जब हमने इस स्क्रिप्ट को लिखा था हमने किसी से शेयर नहीं किया था, बिकॉज हमें पता है कि इंडस्ट्री में स्टोरीज़ की बहुत कमी है। अगर आप जाएंगे कि बॉस की फिल्म हम बनाना चाहते हैं, आप थोड़े पैसे दे दो, तो आप जब तक घर जाते हो तब तक वो फिल्म बननी शुरू हो जाती है। तो हमें ये पता था कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने अपना सब कुछ लगाया है इस फिल्म में। इस फिल्म के पीछे हमारी 3 साल की मेहनत है जिसको लेके हम चल रहे हैं, एंड
ये पूरी का पूरा का पूरा अन्याय है, आप ऐसा करते हैं हमारे साथ, ये पूरी की पूरी दादागिरी है। पैसा लेने के बाद, थिएटर की लिस्ट देने के बाद, आप एंड वक्त पे हमें ये कह दें कि आपकी फिल्म हम नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर आप रिलीज़ करोगे तो हम उतार देंगे एक कॉल पे, तो ये तो गलत है। जब भी मैम ऐसे सिमिलैरिटीज होते हैं तो हम सेंसरशिप के पास जाते हैं, उनका भी एक रवैया होता है, तो आपके साथ क्या रवैया था उनका? रवैया हमारा बहुत अच्छा था, इनफैक्ट हम तो 2015 में सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट हमारे पास है, एंड हमारी फिल्म को ये कहा जा रहा है कि टॉयलेट जैसी फिल्म है, इसलिए क्योंकि क्या है कि टॉयलेट पर फिल्म बहुत बन रही है। जब हमने बनाई थी तब कोई फिल्म एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ये हमारे साथ ये हुआ कि हमारे, चूँकि हम पहले मेकर हैं और हमने अभी इन किया है, पहली फिल्म बनाई, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स हम नॉन स्टॉप फेस कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें तकलीफ नहीं है, वो हमारी जर्नी है, हम तय कर रहे हैं। लेकिन जो वन लाइन है फिल्म की, जैसे कहा जा रहा है, तो वन लाइन जो है कि एक औरत जो है वो घर में शादी होके आती है, उसको घर में टॉयलेट नहीं मिलता, वो अपने पति से कहती है घर में टॉयलेट होना चाहिए, उसका पति उसके लिए खड़ा होता है, वो पोज करती है, एंड एंड में ये होता है कि पति जो है वो टॉयलेट उसके लिए कंस्ट्रक्ट करवा देता है घर के अंदर। तो यही जो कहानी है वो हमारी कहानी है, एंड ऐसा कहा जा रहा है कि टॉयलेट के लिए एग्जैक्टली यही कहानी है, तो अब हम किस किसने किसकी कॉपी की है ये तो आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मैम आपने कहा टॉयलेट की टीम से भी बात की गई है, तो उन्होंने बोला कि वो शायद तक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा कुछ सिमिलरिटी नहीं है, हमने पहले बनाई थी, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन आपने पहले की है? क्या कहा उन्होंने कि उन्होंने पहले बनाई थी? पहले बनाई, ये पब्लिसिटी स्टंट है उनके लिए। हाँ ठीक है, वो उस पे हम कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। इस तरह की पब्लिसिटी अगर करनी होती तो हम जब उन्होंने अनाउंस की थी उसके बाद से, क्योंकि हम जब उन्होंने अनाउंस की थी तो हमारी फिल्म बन के तैयार थी, तो हम तब से वो चीज कर सकते थे। पब्लिसिटी स्टंट होता, इतनी चीप पब्लिसिटी पे हम नहीं उतरते, क्योंकि वी रेस्पेक्ट देम, उनको देख कर हम बड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमारा उनसे कोई वो नहीं है। एक फिल्म तीसरी उसके लिए हम ऐसे आगे आगे कि वो करने वालों में से नहीं है। हमारे साथ जो चीज़ हुई है, 3 साल की हमारी मेहनत के साथ जो हुआ है, 1-2-3 मिनट के अंदर जो कह दिया गया है, इतना ग्रांटेड लिया गया है, इसी वजह से हम आगे आए हैं। हमारे पास कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। दूसरे करते होंगे ऐसा पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कर दें, बट इट इज ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली भी ऐसा हो चुका है। राब्ता मूवी आई थी जो मगा तेरा की जैसे सिमिलैरिटी, वो चीज रही होगी, जैसा कि अगर आप पेपर्स में भी फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो एवरीबॉडी नोज कि वो कब फ्लोर पे गए थे, उन्होंने कब फिल्म शूट करी, क्योंकि उनका तो थॉट प्रोसेस कब जाते हैं, सब पूरी दुनिया को पेपर में आता है। तो अगर आप पास में जाएंगे और आप फाइंड आउट करेंगे कि उन्होंने कब सोचना शुरू किया और कब उन्होंने फ्लोर पे गए, उनका सब आपको पेपर्स में मिलेगा, क्योंकि जो भी वो करते हैं एक एक चीज पेपर में आती है, तो यू कैन फाइंड आउट दैट कि वो कब गए थे फ्लोर पे। तो सर कोर्ट से आपको क्या डेट मिली है अभी आगे की प्रोसीजर क्या है? 22 को फर्स्ट हियरिंग है, एंड हमारे वकील और उनके वकील दोनों वहाँ पे, लेट सी, हमने हमारे फैक्ट रखे हैं, अगर ऐसा कुछ है जैसा वो बोल रहे हैं तो लेट देम से, हमें तो देखो कोर्ट पे विश्वास है, हमें इस देश के कानून पे विश्वास है, इसीलिए हम उनके पास गए हैं, और हम बिलीव करते हैं कि हम लड़ने में यकीन नहीं करते। हाँ। लड़ने में अगर यकीन होता और इस तरह की चीप पब्लिसिटी करनी होती तो हम 2 साल से कर रहे होते, हम क्यों खामोश थे, हम क्यों नॉन स्टॉप इतनी मेहनत कर रहे थे, अपना सब कुछ टेक पे लगा के हम नॉन स्टॉप प्रूव करने में लगे हैं कि बॉस हमारी फिल्म जब लगेगी तो क्लिक करेगी, चलेगी, इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते, नहीं ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए एक सोच बन गई है कि ये इस वजह से है, और हम चुपचाप अपने रस्ते पे चल रहे थे, हमें फाइनेंसर मिल गया था, अपनी फिल्म रिलीज कर रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन हमें कह दिया गया कि स्टॉप, आप चल नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, सो दैट्स व्हाई। अब जो कोई सोचता है उसको रोक तो सकते नहीं सोचने से, लेट देम थिंक, ठीक है। अगर सर अगर उनकी टीम आती है टॉयलेट प्रेम कथा की, तो अगर कोई नेगोशिएट करते हैं कुछ चीज पर, तो आप करना चाहोगे या? नेगोशिएशन का तो अभी तक कोई सवाल ही नहीं होता है, हमसे 3 साल की मेहनत का क्या नेगोशिएशन? नहीं, हम तो वापस जीरो पे आके खड़े हो गए, हमारा फाइनेंशियल बैकआउट हो गया, एंड हमारा वो कंपनसेशन है भी नहीं इस चीज़ का, क्योंकि एक पूरा का पूरा इमोशनल गेम हुआ है आपके साथ, तो उसका कोई कंपनसेशन होता नहीं है। नेगोशिएशन हो सकता है कि वो कहें हम ठीक है हम रुकते हैं, आप कर लो पहले, क्या कैन दे डू दैट, एंड दैट इज़ द मेन जस्टिफिकेशन विच, दैट इज़ द नेगोशिएशन विच वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि हमें वही कर रहे थे, हम 28 को आ रहे थे, क्यों रोका भाई, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं आपसे, आप बहुत बड़े लोग हैं, बड़े बहुत सारे सिनेमा में आएंगे, बहुत सारी स्क्रीन में आएंगे, हमारी कंपैरिजन नहीं है, ना ही हमारा बजट को लेके कंपैरिजन, हमको हमें हमारा पता है कि हमें कितना आना है और कितना करना है, 200 थिएटर्स मिले थे हमें, हम इतना कर रहे थे, तो उसका क्या नेगोशिएशन होगा? उसका नेगोशिएशन यही है कि लेट अस कम फर्स्ट, लेट सी पब्लिक को देखने दीजिए पिक्चर, आ जाइए फिर आप, इस पब्लिक डिसाइड करे, दैट इज द नेगोशिएशन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर, और यही हमने कोर्ट में फाइल किया है।
स्टे. ओके, तो सर फाइनली आप क्या चाहते हैं, क्या स्टे दिस लगना यस चाहिए? दैट्स द थिंग डेफिनेटली विच वी हैव फाइल्ड एंड दैट इज द मेन नेगोशिएशन विच जो आप बात कर रहे हैं, यही एक नेगो, इसका और कोई भरपाई नहीं है और कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट वी वांट, दैट्स इट. ओके सर, लास्टली मैम क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, या कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि आप सारी चीज़ें आपके सामने हैं और सबसे बड़े जो निर्णायक होते हैं वो आप ही होते हैं. एंड फिल्म कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ. फिल्म कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, यही होता है. स्टार्स से सिर्फ फिल्म्स नहीं चलती हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और काउंट होती हैं डेफिनेटली. तो हम लोग चूँकि हमारी ये पहली मेहनत है और हमने इतनी मेहनत की है इस फिल्म के पीछे, हम लोग जेन्युइन हैं, हम लोग ओरिजिनल हैं, ये हमारे पास तथ्यों के साथ हमारे पास प्रूफ है. तो आप उसको देखें एंड आप हमारा साथ दें, दैट्स इट. हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जैसा मैडम ने बोला कि अच्छी मंशा के साथ ये फिल्म बनाई गई है. ये सब जो हो रहा है या हुआ है ये ठीक है, ये तो नेचर है, पता नहीं क्या चाहती है, बट अच्छी मंशा के साथ ये फिल्म बनाई है और मैं चाहता हूँ सबका भला हो और सब जो करना चाहते हैं वो करें और जो हम करना चाहते हैं वो हम करें. हमें करने दिया जाए, हमें करने दिया जाए. फिल्म भी बाहर आए, वो भी बाहर आए, सब फिल्में बाहर आए, सब देखें, सबका भला हो, क्योंकि एक जेन्युइन एफर्ट है, पहला एफर्ट है. तो हम ये चाहते हैं कि भाई अगर पहला एफर्ट है तो पहले ये बाहर आए, बस दैट्स इट. थैंक यू सर. थैंक यू. आई होप सही कीजिए तो. थैंक यू.